सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने उन दावों को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि वो द कपिल शर्मा शो के सेट से गुस्से में वापस लौट गए हैं। साथ ही अजय देवगन ने कहा है कि वो कपिल शर्मा से नाराज नहीं है और उन्होंने शो में कभी वापस नहीं लौटने की कसम नहीं खाई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि अजय देवगन जब अपनी फिल्म बादशाहों के प्रमोशन के लिए कपिल के शो में गए तो उन्हें वहां से बिना शूटिंग किए ही वापस लौटना पड़ा। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि देर रात तक पार्टी करने के बाद कपिल शर्मा सुबह उठ नहीं पाए और इसलिए वो शूट के लिए भी नहीं पहुंचे। बादशाह के प्रमोशन के दौरान अजय देवगन ने कहा कि शूटिंग तो रद्द होती रहती है, इस बात को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अजय देवगन से सवाल करते हुए जब कहा गया कि क्या कपिल खुद को बड़ा स्टार समझने लगे हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, पिछले कुछ टाइम में भी कई शोज कैंसिल हुए हैं, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही अजय ने जोर देते हुए कहा कि वो गुस्से में शो के सेट से नहीं गए थे। उन्होंने कहा है कि हम शो के सेट से चले गए थे क्योंकि कपिल शर्मा वहां नहीं पहुंचे थे। जब मैं अगली बार कपिल शर्मा से मिलूंगा तो इस बारे में उनसे बात करूंगा और तभी मुझे इसका कारण पता चलेगा। इतना ही नहीं, अजय देवगन ने ये भी बताया कि शाहरुख खान ने भी नहीं कहा है कि वो शो में कभी वापस नहीं आएंगे और ना ही मैंने ऐसा कहा है। ये बयान मीडिया की ओर से बनाए जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।